खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है और बताया गया कि जंग में रूस के 2,00,000 सैनिक मारे गए और रूस को जंग में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने एक दिन में रूस के 9 टैंक, 16 आर्टिलरी मिसाइल, 17 सैन्य गाड़ियां, 2 एयर डिफेंस सिस्टम, 16 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं और रूस का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिक आगे भी रूस पर बड़े हमले करते रहेंगे। उधर यूक्रेन ने रूस पर पलटवार का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में ज़ापोरिज़्या में रूस के ठिकानों को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर से रूस के ठिकानों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले से ज़ापोरिज़्या की धरती थर्रा उठी। बमबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के जवान रूस के ठिकानों को चुन चुन कर अपना निशाना बनाते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में उसने रूस पर हमलों में तेजी लाने का काम किया। उसका जारी किया गया ये वीडियो उसी का सबूत माना जा रहा है, जिसमें उसके सैनिक रूस के ठिकानों पर आग बरसाते नजर आए। उधर रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका की एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है और रात के अंधेरे में रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें उसके पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को रूस ने तबाह कर दिया। यूक्रेन को ये पेट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया था। रूस ने ये दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के कई लड़ाकू विमानों को भी उसके जवानों ने मार गिराया, साथ ही उसके ठिकानों को भी तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई, बल्कि उसने तो दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कई जगह पर उसके सैनिकों ने रूस के जवानों को खदेड़ने का भी काम किया। यूक्रेन के मुताबिक उसकी जवाबी कार्रवाई में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। और उधर जंग में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबले करने के लिए हथियार तक नहीं बचे और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसका दावा और किसी ने नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने किया और माना कि यूक्रेन इस वक्त हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। रूस पर बड़ा हमला तो दूर की बात, जंग में जवाबी कार्रवाई तक के लिए यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे। ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार के इस दावे के बाद ज़ेलेंस्की के उस बयान पर भी सवाल खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूक्रेन बहुत जल्द रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने ये भी जानकारी दी कि यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात के दौरान यूक्रेन ने फिर सैन्य मदद की मांग की है ताकि वो पुतिन की फौज को मात दे सकें। उधर यूक्रेन ने मंगलवार को कीव पर हुए रूस के हमले को नाकाम करने का दावा कर दिया और कहा कि उसकी फौज ने रूस की 18 मिसाइलें तबाह कर दी, जिसमें रूस की 6 किंजल मिसाइलें भी नष्ट हो गईं, जिसे रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है क्योंकि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें 450 किलोग्राम विस्फोटक से धमाका किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर हमलों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार को कीव पर रूस के मिसाइल से अटैक की बात सामने आई थी, जिसे यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर नाकाम कर दिया। दावा यह है कि पश्चिम से मिले हथियारों के बाद यूक्रेन रूस के हमले रोकने में कामयाब रहा। इधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना बड़ी तैयारी करने पर नजर आई और यूक्रेन की सेना का ओडेसा तट के पास समंदर में ट्रेनिंग करता हुआ एक वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेन की सेना पूरी तैयारी के साथ समंदर में अभ्यास करती दिखी। यूक्रेन के सैनिक खतरनाक हथियारों के साथ फायरिंग करते नजर आए, साथ ही यूक्रेन के जवान अभ्यास के दौरान समुद्र में तैर रही गेंद को निशाना बनाते भी दिखे। दावा है कि यूक्रेन समंदर में रूस को टक्कर देने के लिए बड़ी तैयारी में जुट गया है। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने बखमूत के पास करीब 20 वर्ग किलोमीटर इलाके से रूस की फौज को खदेड़ दिया और वहां एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन की सेना ने बखमूत के उत्तर और दक्षिण में मौजूद कई इलाकों पर मजबूत पकड़ बना ली है, जबकि रूस की सेना उत्तर पश्चिमी बखमूत पर कब्जे का दावा करती आई है। लेकिन दावा है कि अगर यूक्रेन की फौज वहां इसी तरह से अपने जवाबी हमले जारी रखती है तो वो बखमूत पर कब्जा करने का पुतिन का प्लान फेल कर सकती है। और उधर सुपर पावर अमेरिका भयानक कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वो कंगाल भी हो सकता है। वहां की विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि अगर अमेरिका ने इस महीने के आखिर तक कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि अमेरिका कंगाली के मुहाने पर पहुंच जाएगा। इसलिए अमेरिका की विदेश मंत्री ने वहाँ की संसद से इस पर फैसला लेने की अपील की, क्योंकि अगर वक्त रहते अमेरिका ने कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई तो 1 जून के बाद बाइडेन सरकार के पास देश चलाने तक के लिए पैसे नहीं बचेंगे, जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका डिफॉल्टर घोषित हो गया तो दुनिया को फिर से मंदी की मार झेलनी पड़ जाएगी। अमेरिका पर इस वक्त 30 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रूपों में करीब 2,500 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और उधर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नई तस्वीर अब सामने आ गई है, जिसमें वो सप्लाई स्पाइस सैटेलाइट प्रोजेक्ट का मुआयना करते दिखे।
इस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ नजर आई। दोनों किसी गुप्त ठिकाने पर स्पाई सैटेलाइट प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से मिलते नजर आए। उत्तर कोरिया ने पिछले साल दिसंबर में ही स्पाई सैटेलाइट पर परीक्षण पूरा कर लिया था, जिसके बाद 2023 में इसे लॉन्च करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया से निपटने के लिए जरूरी कदम बताया था। उधर ब्रिटेन की मीडिया में रूस के उस दावे को लेकर खबर छपी जिसमें रूस ने यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम को निशाना बनाने की बात कही थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम को निशाना बनाने के रूस के दावे को खारिज कर दिया। उल्टा ब्रिटेन की मीडिया ने एक नया दावा कर दिया और बताया कि यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के सैन्य ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन को ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दी थी, जिसे लेकर दावा है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए रूस के सैन्य ठिकानों पर पलटवार कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उधर अमेरिका रूस में अपने दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने पर भड़क गया और दावा है कि रॉबर्ट शिनोव नाम के उस पूर्व अमेरिकी कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रॉबर्ट शिनोव पर लगे आरोपों को गलत बताया। The reports of the arrest of Robert Shonov, a former employee of the US mission in Russia. इससे पहले मार्च महीने में भी रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार एवन ग्रिशकोविच को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया था। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भारत, जापान और अमेरिका के बीच 24 मई को होने वाली क्वाड की बैठक को रद्द कर दिया। ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होने के बाद लिया गया, जिसका ऐलान खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने किया। इससे पहले उन्होंने अमेरिका की मौजूदगी के बिना क्वाड बैठक करने की बात कही थी, जिसे बाद में उन्होंने बदल दिया। बताया जा रहा है कि बाइडेन अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दों को सुलझाने में जुटे हैं और इसी वजह से उन्होंने क्वाड की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए आर्मी चीफ जनरल मुनीर पर उनसे अपनी निजी दुश्मनी निकालने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इमरान खान और आसिम मुनीर में ठन गई। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिंसा की थी और आर्मी के ठिकानों पर हमला बोला था, जिसके बाद सेना ने भी आर्मी एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही। दरअसल इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में ISI चीफ बनाया था, लेकिन महज 8 महीने बाद ही उन्हें पद से हटा दिया। वो सबसे छोटे कार्यकाल वाले ISI चीफ रह गए। बताया गया कि इसके पीछे उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का हाथ था, जिनके कहने पर ही इमरान खान ने मुनीर को ISI चीफ के पद से हटा दिया था और तभी से आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी से दुश्मनी छान ली। दोनों के बीच अदावत की ये कहानी 5 साल पुरानी है। 2018 में जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ISI चीफ नियुक्त किया। इसके बाद अक्सर सिक्योरिटी और बड़े फैसलों पर होने वाली हाई लेवल मीटिंग में इमरान खान और मुनीर की मुलाकात होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जनरल मुनीर अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इमरान खान के घर में चलने वाली गतिविधियों की जासूसी करने लगे। फिर एक रोज बुशरा बीबी के खिलाफ एक डोजियर लेकर जनरल